लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे। कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के कार्यक्रम में शामिल होने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव बुरहानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर इंदौर को जला देने फिर नीमच में देख लेने की धमकियों पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी की यही संस्कृति है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की माफियाओं के सरगना है। 15 साल के बीजेपी के कार्यकाल में कैलाश विजयवर्गीय के संरक्षण में माफियाओं ने अपना कारोबार फैला लिया है। अब हम कैलाश विजयवर्गीय का बोरिया बिस्तर बांधकर मध्य प्रदेश से बाहर भेजेंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी के पूरे देश में CAA कानून को लेकर जन जागरण पर कहा कि देश में गोडसे की विचारधारा नहीं गांधी की विचारधारा चलेगी। कांग्रेस और देश के लोग गोडसे की विचारधारा को नहीं चलने देंगे। बुरहानपुर से तफजुल हुसैन मुलायम वाला की रिपोर्ट। कैलाश विजयवर्गीय जी और भारतीय जनता पार्टी की यही संस्कृति है और इंदौर शहर में जिन माफियाओं पर हमारे सरकार ने आज जिन माफियाओं को ठीक करने का काम किया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसके सरगना कौन है? इंदौर के माफियाओं के सरगना कैलाश विजयवर्गीय हैं और पिछले 15 सालों में कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में इंदौर के माफियाओं का इतना बड़ा कारोबार बढ़ा है। हजारों की अवैध संपत्ति जमीनों पर कब्जा करने का काम अगर किसी ने कराया है तो कैलाश विजयवर्गीय ने किया। अब कैलाश विजयवर्गीय जी का पूरा बोरिया बिस्तर इस प्रदेश से हम लोग बांध कर उनको बाहर करने वाले हैं। इस देश में गांधी की विचारधारा चलने वाली है। नाथुराम गोडसे की विचारधारा को देश के लोग पसंद नहीं करते हैं और उसका उदाहरण दो विधानसभा के तत्काल जो चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में आपने देख लिया। भारतीय जनता पार्टी को एक सिरे से दोनों प्रदेशों की सरकारों ने लोगों ने नकार दिया और आज अगर आप देश का नक्शा देखेंगे तो देश के नक्शे से भारतीय जनता पार्टी गायब होती नज़र आ रही है। ये देश को बांटने का जो काम कर रहे हैं वो हम उसको होने नहीं देंगे और देश की जनता भी इसको होने नहीं देंगी। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।